What is up, Fantastic Squad? मैं वापस आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर, और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली ही स्कारफॉल को डाउनलोड करा है और उसको खेलना स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप स्कारफॉल को कैसे खेल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टीम बना के कैसे खेल सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना और देरी किए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि राइट साइड पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके ऊपर गेम मोड और उसके ऊपर क्रिएट प्राइवेट सर्वर। तो आपको क्रिएट प्राइवेट सर्वर पे जाना है, आप उस पर टैप करोगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रिएट और ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट पे टैप करना है, और क्रिएट पे टैप करोगे तो आपको तीनों मोड में से चूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने क्लासिक चूज़ किया है, और ये लोड होने लग जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, सो आपको वेट करना पड़ेगा। और लोड होने के बाद कुछ ये वाला होम लॉबी आएगी आपके पास, इस टाइप की लॉबी आएगी। तो आपको मिडल में दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा भी है टीम और रूम आईडी करके, जो कि है 254284। ये रूम आईडी है मेरे वाली की, तो आपको इसी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब शेयर कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वहीं पर रूम आईडी जहाँ पर लिखा हुआ है उसी के राइट साइड पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर टैप करोगे तो इस टाइप का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी रूम आईडी लिखा है, आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप अपने आप दोस्तों को सेंड कर सकते हो। इसमें मेरे उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, बट आपके उसमें अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, और साथ ही नॉर्मल जो मैसेज का ऑप्शन होता है वो भी ऑप्शन शो करेगा। तो आप दोनों में से जिससे भी आप करना चाहो, व्हाट्सएप करना चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों को, उस पर टैप करना है और सीधे सेंड करना है जैसे जनरली करते हैं, और वो जो कोड होगा वो आपके दोस्त के पास चले जाएगा। और सो ये तो हुआ कि भाई प्राइवेट सर्वर को क्रिएट कैसे करना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कि आपको प्राइवेट सर्वर आपने क्रिएट कर दिया या आपके किसी दोस्त ने क्रिएट कर दिया, उसने आपको कोड दिया, तो अब आप उसका प्राइवेट सर्वर ज्वाइन कैसे करोगे। तो ज्वाइन करने का भी प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। अगेन आपको वहीं पर जाना है क्रिएट प्राइवेट सर्वर पर, उस पर टैप करना है। आपने उस टाइम क्रिएट किया था, आप ज्वाइन पर टैप करोगे और यहाँ पर आपका कीपैड ऑन होगा, टाइप कर देना जो भी आपका जो दोस्त है वो कोड देगा वो आपको टाइप करना है और ज्वाइन कर देना। और आप उसकी जो लॉबी आई थी वैसे ही उसकी भी जो लॉबी क्रिएट होगी उस पर आप आ जाओगे और ज्वाइन कर लोगे, और आप साथ में उसके एज अ टीममेट खेल पाओगे। तो आप प्राइवेट सर्वर ज्वाइन और क्रिएट तभी कर पाओगे अगर आपका प्राइवेट सर्वर वाला जो ऑप्शन है वो अनलॉक्ड होगा। और अनलॉक कैसे करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, कल वीडियो आने वाली है। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर कल एक और न्यू वीडियो के साथ। दिस इज चुप साइनिंग ऑफ।